आज हम बात करते हैं लेग के हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हमने टू में डिवाइड किया है, एक सुपरफिशियल पार्ट, एक हमारा पार्ट एंडिंग पार्ट। तो डी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो मसल्स है ये काम करती है प्लांटर फ्लेक्शन का काम करती है, इसलिए प्लांटर फ्लेक्सस मसल्स होती है। तो इस कंपार्टमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है जो स्ट्रक्चर वो हम देखते हैं। शॉर्ट सेफेनस वेन है, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व है, एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व का काफ है, एंड सो ये सारी चीजें हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। नोवेशन होता है टीवीएल ना, कंप्लीट जो कुछ कंपार्टमेंट है जो वेदर सुपरफिशियल हो चाहे डी हो, दोनों में टीवीएल नर्व की सप्लाई। आप बात करते हैं सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इसमें हमारे पास थ्री मसल्स है इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रोनिमस एंड कांटिलीवर्स एंड सोलियस। तो हम गैस्ट्रोनिमस की बात करते हैं। गैस्ट्रोनिमस जो मसल्स होती है हमारे, जिसका ओरिजिन होता है जो मीडियल एंड लैटरल जो फेमोरल कंडाइल है, इससे यहाँ पे टू हेड्स होती हैं, दोनों के जो कंडाइल्स हैं उनकी अपर सरफेस से प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब इंसर्ट करती हैं एक बड़े टेंडन से, ये करती है कैल्केनियम में, जिसको हम एकिलिस टेंडन का नाम दिया है, सप्लाइड होती है टीवी नाव से, एंड लैटरल फ्लेक्शन को काम करेगी, एंड फ्लेक्शन का लेग काम करेगी। ब्लड सप्लाई होती है इसकी कोक्लियल आर्टरी से। अब बात करती है प्लांटेरिस की, ये जो मीडियल जो इसका गैस्ट्रोनिमस जो हेड है उसके नीचे ही लाइज करती है। ये इस लेटरल सुप्राकोंडाइल रिज ऑफ फीमर है, वहाँ से ये ओरिजिन लेती है एंड इंसर्ट करती है कैल्केनियम में आके, एंड टीपी नाउ से सप्लाई होती है प्लांटेरिस जो प्लांटर फ्लेक्शन का काम करती है, फ्लेक्स को लेग को फ्लेक्स करती है। सोलियस जो मसल्स है ये शाफ्ट ऑफ द टीबिया एंड फिबुला से, दोनों से जो सोलियस है ओरिजिन लेती है एंड इंसर्ट करती है एकिलस टेंडन के साथ इनटू कैल्केनियम में, एंड ये भी सप्लाई होती है टीबियल नर्व से एंड काम करती है प्लांटर फ्लेक्शन का काम। ब्लड सप्लाई होती है पेरोनियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टीबियल। अब हम बात करते हैं डीप कंपार्टमेंट के, वहाँ जो उसका डीप कंपार्टमेंट है पोस्टीरियर साइड का, अब वहाँ पे मसल होती है हमारे पोप्लिटिस मसल एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस एंड टीबियलिस पोस्टीरियर। तो हमने देखा है कि टीबियलिस पोस्टीरियर यहाँ पे है एंड टीबियलिस एंटीरियर था जो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट। पोप्लिटिस की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है जो लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर एंड जो लेटरल जो मेनिस्कस है होता है वहाँ से होता है, इंसर्ट करती है प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द टीबिया, टीबिया से इंसर्ट करती है, और इसका काम भी है टीबियल फ्लेक्शन एंड लेटरली रोटेट कर ये जो है अनलॉक करती है हमारे नी जॉइंट पे, एक लॉकिंग अनलॉकिंग जो प्रोसेस होता है नी में उसमें अनलॉक का काम ये करती है, ये लेटरली रोटेट करती है उसको, जो नी जॉइंट का लॉक है उसको वो खोल देती है टीबियल नर्व से सप्लाइड। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस की बात करते हैं, इसका जो ओरिजिन होता है शाफ्ट ऑफ द टीबिया से होता है, इंसर्ट करती है हमारे जो डिस्टल फैलेंग्स हैं तो जैसे दो से लेके टू टू फोर तो उसके बेस पे ये सप्लाई ये इंसर्ट करती है टीबियल नर्व से सप्लाई करती है, प्लांटर फ्लेक्शन का काम करती है, इनवर्ट फुट का काम करती है, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस अगर देखते हैं तो ये शाफ्ट ऑफ द फिबुला से ये ओरिजिन लेती है, इंसर्ट करती है जो बिग टो का जो डिस्टल फैलेंग्स के बेस से टीबियल नर्व से सप्लाई होती है, प्लांटर फ्लेक्शन करती है, इनवर्ट फुट करती है एंड फ्लेक्शन उधर। डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टीबियलिस पोस्टीरियर है जो शाफ्ट ऑफ टीबिया एंड फिबुला से तो ओरिजिन लेती है, साथ में एडजेसेंट ट्यूबरोसिस मेम्ब्रेन से भी लेती है, इंसर्ट करती है एक ट्यूबरोसिटी ऑफ नेविकुलम एंड जो सारे जो टेलस बोन है उसमें जो टेलस को जो टार्सल बोन है उसको
हूँ, लेकिन टैलस को छोड़ के एंड जो सेकंड थर्ड फोर्थ जो मेटाटर्सल जो बोन है उनके बीच से इंटरस्टिंग नॉर्ड से सप्लाई करती है, प्लांट प्रोडक्शन करती है एंड इनवर्ट जो इन्वर्जन का काम करती है। तो ये था हमारा सारा जो स्टेट कंपार्टमेंट के मसल एंड यहाँ पे हमने इनोवेशन पढ़ाया और जो मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन साथ में हमने इसके एक्शन पढ़ाया। दिस इज ऑल अबाउट द कंपार्टमेंट ऑफ